पलामू लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सह राजद नेता कामेश्वर बैठा ने बताया जिस गति से विकास की दावा हो रहा है वो दावा आज भी उन गरीबों से दूर है। देखिए मैं जेल में रहकर के सांसद बना था और जेल से ही मैं 17 अटेंड किए थे, दो तीन बार सदन को हमने अटेंड किया था जेल से। जेल में रह करके भी जो सदन में हमने जो आवाज़ उठाया था पलामू के बारे में, पलामू लोकसभा खासकर झारखंड या अन्य जगहों का, हम बाहर में भी आकर के लगातार जब भी मुझे बोलने का मौका मिला है हमने सवाल उठाया है, रखा है आपकी समस्या। हमारे तरफ देखिए तो मुख्य रूप से जो यहाँ का जो मूल समस्या जो है खास करके पलामू संसदीय क्षेत्र का, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये पलामू संसदीय क्षेत्र अकाल, सुखाड़, उग्रवाद, नक्सलवाद, बेरोजगारी का मूल जल समस्या है। इस समस्या को समाधान के लिए हम लोगों को सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ रोजगार लगाना चाहिए। किसान जो हर साल अकाल का दंश झेलता है उसके लिए किसानों को सिंचाई के लिए जो छोटे छोटे जो नदियाँ हैं, चाहे बड़ी नदी हो चाहे छोटी नदियाँ हो, नदी को बांध करके उनको खेत में किसान को पानी देना चाहिए, तभी यहाँ का जिंदगी खुशहाल हो सकता है। आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये तो जग जाहिर है, तो इसमें आज हम उतना खुश नहीं हैं जो खास करके जो पलामू का जो विकास की मामला पर है। आदिवासी आज भी यहाँ गरीब हैं और गरीबी का दंश झेल रहे हैं आदिवासियों का, नहीं आदिवासी ही नहीं है बल्कि आप गांव में भी जाएंगे ना तो आज भी देखेंगे गांव में 99% नौजवान जो है बेरोजगार पड़ा हुआ है गांव के अंदर, समझ पा, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो चाहे जहाँ भी हो, जनरली आप हर जगह पर आप इस चीज़ को देखिएगा, ऐसा बात नहीं है सिर्फ आदिवासी ही नहीं कहा जा सकता है, आम लोग इससे हैं बेरोजगारी के झेल रहा। झारखंड में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, क्या कहेंगे, मैंने इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए इस सरकार की एक अलग सोच है, समझ बात नहीं, और इसमें मैं ज़्यादा अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नियुक्ति पत्र अगर स्थानीय लोगों को अगर नियुक्ति दी जा रही है और स्थानीय लोगों को मान्यता जो दिया जा रहा है तो ये तो अच्छी पहल है सरकार की है। आप जो है आरजेडी ज्वाइन किए हैं, क्या आपका सोच है और क्या मैंने यहाँ हम आरजेडी चूँकि लालू जी का विचारधारा आरजेडी का विचारधारा पार्टी का उनकी विचारधारा और हमारा विचारधारा एक मिलता है। मैं शुरू से ही एक वर्षों से मैं उनके लिए संघर्ष किया था जो समाज में दबे कुचले जो लोग थे, और लालू जी का भी यही आवाज़ रहा है आमतौर पर। तो आज हम जेएमएम भी थे तो जेएमएम में हम किसी कारणवश पार्टी मैंने छोड़ दिया, लेकिन जेएमएम भी जो हमारे लिए जो किया है वो भी हम उसको भूल नहीं सकते हैं। क्या आपका आम जनता के पास क्या संदेश रहेगा, आप मान लीजिए फिर जो है आ रहे हैं आम जनता के बीच में, आम जनता से क्या आपका अपील है, क्या करना? बीच में जा रहे हैं अभी, जनता की समस्या को सुन रहे हैं अभी, हमारा कोई खास से भी चुनाव लड़ने का हमारी भी मंशा नहीं है, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता निर्णय लेगा, उस निर्णय को हमने स्वागत करेंगे। बता दें कि इस क्षेत्र की कई जटिल समस्याओं को उन्होंने उठाया ताकि यहाँ की जनता और क्षेत्र का विकास हो सके, फिर अपनी बात को रखते हुए आरजेडी ज्वाइन की और लालू यादव की विचारधारा और अपनी विचारधारा को एक मानते हुए एक बार फिर पलामू लोकसभा सीट के लिए जोरदार एंट्री मारी है। गढ़वा से अभय तिवारी की रिपोर्ट।